राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो खाना बनाने की तैयारी हो रही है अभी, और बाकी के सारे काम हमने कर लिए हैं। चाय, नाश्ता और क्लीनिंग जो है घर की वो हो चुकी है। और आज मैं बनाऊंगी सब्जी में ये सोयाबीन की बड़ी। सोयाबीन बोलते हैं हमारे यहाँ पर, कोई कोई बड़ी भी बोलते हैं। तो देखिए, इन्हें मैंने भिगो कर रख दिया था सुबह के टाइम, और आलू मैं डालूंगी इनमें उबले हुए। और आलू भी यहाँ पर मैंने उबाल कर रख लिए हैं, ये देखिए उबले हुए आलू है, अभी इन्हें छीलना बाकी है। और सबसे पहले थोड़ा सा मैं प्याज का पेस्ट बनाऊंगी, जो लहसुन और अदरक और प्याज का पेस्ट बनता है वो। और फिर बनाऊंगी टमाटर का पेस्ट, टमाटर और प्याज का, जैसे पनीर की सब्जी बनती है बिल्कुल उसी तरीके से आज मैं सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए बनाना ये अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले सारी चीजों को पीस लेते हैं, और लहसुन अदरक और प्याज जो है मैंने पीस लिए हैं, और उन्हें एक कटोरी में रख लिया था। उसके बाद टमाटर और प्याज की बारी आ गई थी, और ये पेस्ट बनाकर रख लूँगी मैं। और सारा सामान जो है बाहर लेकर जाऊँगी फिर, क्योंकि मैंने झीना लगाकर जो है कढ़ाई रख दी थी, तो तब तक कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी। और सोयाबीन भी मैंने निचोड़ ली है अच्छे से, और बाहर ही छीलूंगी मैं आलू को, क्योंकि कढ़ाई जो है ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाएगी। सब्जी भी छोंकती रहूँगी और दूसरे काम भी करती रहूँगी, जैसे कि आलू छीलना। और ये ले आई हूँ मैं देसी घी, और इसमें करूँगी मैं सोयाबीन को फ्राई। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है जब देसी घी से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, फ्राई करने के बाद में इन्हें निकाल कर फिर मैं सब्जी छोंकूँगी। और काफ़ी गर्म हो चुकी थी कढ़ाई, तो इसलिए आते ही मैंने इसमें घी डाला और बस सोयाबीन डाल दी फ्राई होने के लिए। सोयाबीन फ्राई हो चुकी है, अब फिर मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी। और बच्चे फ्राई करी हुई तो वैसे भी खा लेते हैं घी में फ्राई करके, नमक डालकर बहुत टेस्टी लगती है। तेल मैंने डाल दिया है, अब मैं इसमें जीरा और मेथी दाना डालूंगी, क्योंकि कढ़ाई जो है हमारी काफ़ी गर्म है। दोनों चीज़ें मैंने डाल दी है इसमें, और ये लाल मिर्च भी तोड़कर डाल दी है। और तीन जो मैंने पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक और प्याज का, वो भी डाल दिया है इसमें। अब मैं छोंक को भून लूँगी और फिर डालूँगी इसमें हल्दी और मिर्च, क्योंकि मुझे मसाले भी भूनने हैं साथ के साथ। और फिर मैं डालूँगी इसमें टमाटर का पेस्ट जो मैंने पीस कर रख लिया है पहले से ही अपने पास में। तो ये देखिए प्याज, ये छोंक भुनने के बाद में अब मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। और इस तरीके से अगर हम किसी भी सब्जी को छोंक लगाते हैं तो उससे जो है काफ़ी अच्छा कलर आता है, क्योंकि मसाले जो हैं वो अपना कलर छोड़ देते हैं तेल में, पहले से ही वो भुन जाते हैं, तो इसलिए ही सब्जी का अच्छा कलर आ जाता है। तो इसमें अब मैं टेस्ट के हिसाब से ही नमक डाल रही हूँ, और ये डाल दिया है मैंने गरम मसाला। और सोयाबीन बड़ी जो है बच्चों को पसंद है, क्योंकि चाउमीन वगैरह में भी डलती है तो उन्हें खाने में अच्छी लगती है। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है दही, जिसके पास फ्रेश वाली दही नहीं है तो वो इसमें मलाई भी डाल सकता है। और सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अलग अलग ढंग होते हैं, रहन सहन खान पीन सब कुछ अलग होता है। तो मैं तो इसे इस तरीके से ही बना रही हूँ जैसे और सारी सब्जियाँ बनाती हूँ। और उधर भी आलू मैंने छील लिए हैं, और अब इसमें ये कटे हुए आलू डाल दूंगी। और थोड़े से आलू बचाए हैं मैंने रायते के लिए, क्योंकि मुझे मट्ठे का जो है रायता भी बनाना है। ये वाला रायता आजकल बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं घर में सब, तो डेली से ही बनने लगा है, कभी लौकी का कभी आलू का। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें फैमिली के हिसाब से ही पानी, क्योंकि मुझे चावल नहीं बनाने हैं, सिर्फ रोटियाँ ही सेकनी हैं। और अब मैं इसे ढककर रख दूंगी, और जब तक अपना जो है ये रायता बना लूंगी, क्योंकि मट्ठा मैं फ्रिज में से निकाल कर ले आई थी। इसमें मैंने पुदीना
लाल मिर्च और काला नमक जो है डाल दिया है, और धनिया पत्ती जो है मेरे पास थोड़ी थी वो मुझे सब्जी में डालनी है तो इसलिए मैंने रायते में नहीं डाली है। तो आज मैं इसमें तड़का लगाऊंगी मट्ठा के रायते में जीरे का। हर बार राई का लगाती हूँ तो कभी कभार तो जीरे का भी टेस्ट लेना चाहिए, तो आज मैंने सोचा जीरे का ही तड़का लगा लेते हैं। तो रायता बनकर हो गया तैयार, तड़का मैंने लगा दिया है इसमें। और जिस चीज़ से मैं तड़का लगा रही हूँ ये लोहे की चमचा है, काफ़ी पुराना है, पहले बागड़नी आती थी तो उन पे से लिया गया है, माँ ने बताया था मुझे। तो यहाँ पर हरे धनिया की पत्तियाँ मैं काट रही हूँ धोने के बाद में, और आज यही है मेरे पास धनिया पत्ती, तो इसलिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। आज ज़्यादा धनिया नहीं था, नहीं तो मैं रायते में भी डालती। और बाकी के सारे क्लीनिंग वगैरह के काम हो गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और घुटन सी हो रही है, ऐसा लगता है कि बारिश वारिश ज़रूर आएगी क्योंकि हवा का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है। तो सब्जी जो है हमारी पक चुकी है, अभी मैंने इसमें धनिया पत्ती भी डाल दी है और अब मैं इसे उतार दूंगी क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने डालकर इसे सब्जी को बनाकर तैयार कर दिया है। और उतारने के बाद में फिर मैं इसे किसी छोटे बर्तन में जिस पर हम प्लेट भी आसानी से ढक दे उसी में रिता दूंगी, यानी उसमें निकाल कर रख लूँगी। और ये रख दिया मैंने दूध, और चूल्हे में आँच भी कम हो गई थी तो उसमें उपले भी लगाने हैं। तो देखिए रोटियां मैंने बना ली है, खाना लगभग तैयार हो चुका है, अभी प्रीति सबको लगा कर देगी। और आज मेरे साथ ये देखे क्या हो गया था, मेरी चुन्नी जो है पूरी जल गई है, ये देखिए वैसे ही चुन्नी की सोल्टेज है मेरे पास में। और ये देखो कितना बड़ा छेद, एक छोटे से पतंगे ने पूरी पूरी चुन्नी खराब कर दी। और ये मुझे गुड्डू ने बताया मम्मी आपकी चुन्नी जो है जल गई है, जैसे मैंने कढ़ाई उतारी तो ये नीचे ऐसे लगी यहाँ पर, तो इसमें एक पतंगा बैठ गया, मैं बाल बाल बच गई ये समझो। आज एक तो गर्मी और ऊपर से बाल बाल बच गई। तो चलिए खाना दे देते हैं सबको और खुद भी खा लेते हैं पसीना वसीना। और यहाँ पर आसपास चूल्हे के पास में कर देते हैं साफ सफाई, और छोटू को ये रोटी देनी है, ठंडी हो जाएगी, अभी चलूँगी देने जब तक ठंडी हो जाएगी है। और ये रोटियाँ रख दूँ मैं अंदर रसोई में, अभी चलते हैं छोटू और चुमिया के पास में। और आज केवल मैंने छोटू और जुमिया को नहीं खिलाई रोटी, आज मैंने सारे ही पशुओं को एक एक टुकड़ा इस रोटी में दे दिया था क्योंकि काफ़ी बड़ी रोटी बनाती हूँ मैं इन दोनों के लिए, तो सोचा ये सब देखते रहते हैं तो इन्हें भी दे देते हैं। तो इन सबको भी मैंने एक एक टुकड़ा करके दे दिया क्योंकि छोटू और जुमिया तो आधी आधी डेली खाते ही हैं। और ये देखिए दोस्तों मौसम कैसा हो गया है, दिन में काफ़ी गर्मी थी, टेम्परेचर भी 42 के पार था, 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और एकदम करवट बदली है मौसम ने और अच्छा हो गया है ठंड। बिजली गरज रही है आसमान में, पेड़ पौधों पर बारिश की बूंदें आप देख सकते हैं। और ये देखिए ठंडक लेकर आ गया है मौसम गर्मी के माहौल में, और ये शाम का टाइम है और रात के बजे हैं लगभग 8। इससे पहले तूफान आया बहुत ज़ोर से, आंधी तूफान आया, काफ़ी धूल भी उड़ी है लेकिन उस धूल को बारिश की बूंदों ने ढक लिया है। देखिए आप
आवाज सुन सकते हैं। इस तरह की बारिश की अहमियत बढ़ जाती है इस तरह की हवा की गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये बहुत सुकून देने वाला हो जाता है। और हमारे यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश गर्मी काफ़ी पड़ रही थी कई दिनों से, और ये मौसम लेकर आया है राहत, थोड़ी ठंड, थोड़ा बदलाव, काफ़ी फर्क पड़ता है इंसान की मेंटेलिटी पे इस तरह के मौसम का, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है उसके बाद ये इस तरह के मौसम बहुत काफ़ी राहत देते हैं। तो देखिए जमीन पर बूंदें